हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है आपके विचार। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम हर जगह जाते हैं, लोगों के विचार लेते हैं, उनकी राय लेते हैं और वहाँ की जो जगह की कहानी है, किस्सा है, वहाँ की उनकी जानकारी पूरी लेंगे। अभी मैं हूँ पोरसा में जोटे चौराहे पर। यहाँ का नज़ारा दिखा दीजिए। ये जो है जोटे चौराहा, ये जोटे के लिए रोड जाती है और ये बाईपास है, ठीक है। और ये पंडित नाश्ता सेंटर की दुकान है। यहाँ पर पंडित जी जो है नाश्ता लगाते हैं। सुबह कितने बजे आ जाते हैं महाराज जी? 5 बजे आ जाते हैं। सुबह महाराज जी का 5 बजे नाश्ता यहाँ पर शुरू हो जाता है। और अभी हम पोरसा में जोटे बाईपास पे हैं और ये जो चौराहा है यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये महाराज जी के यहाँ पर नाश्ता की दुकान है, ठीक है। अब यहाँ की एक कहानी ये है कि यहाँ पर जोटे चौराहे से मुश्किल से 50 कदम दूर चल के यहाँ पर एक खेरा है। खेरे पर यहाँ पर एक मुस्लिम शासक पहले ज़माने में कभी हुआ करते थे। तो रीज़न ये था कि उस समय जो लोगों की डोलियाँ निकलती थी, पिछले ज़माने में डोली आया करती थी, तो एक दूसरे की डोली लेकर के जाते थे। तो सबसे पहले यहाँ पर रोक करके वो जो डोली को एक रात मुस्लिम शासक के यहाँ पर रुकवाना पड़ता था, उसके बाद वो लोग वहाँ से ले जा सकते थे। ऐसा चलता था पहले ज़माने में, जब मुस्लिम शासक का साम्राज्य या राज्य हुआ करता था, उस समय की ये बात है। उससे ज़्यादा जानकारी इन ताऊ जी को है, इनसे हम जानेंगे यहाँ की क्या कहानी किस्सा है और इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए थोड़ा कैमरा छोटा कर लीजिए। सही आ रहा है? क्लियर। ताऊ जी राम राम। राम राम। क्या नाम है ताऊ जी? मुकट सिंह तोमर। मोहर सिंह तोमर। मुकट सिंह तोमर। मुकट सिंह तोमर कहाँ के रहने वाले? मानसिंहपुरा। मानसिंहपुरा के जी। ताऊ जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा यहाँ की क्या और क्या कहानी किस्सा है जो आप बताएंगे, जो मुस्लिम शासक था, ये कब की बात होगी? लगभग यह तो बहुत, जब मुसलमानी राज्य था। मुसलमानी राज्य था, फिर भी लगभग कुछ समय टाइम पता है क्या? कुछ कुछ समय नहीं पता है। अच्छा, फिर भी लगभग कितने साल हो गए अंदाज है कुछ? आपको बताया हो किसी ने? तो हमारे पुरखों ने बताया। अच्छा अच्छा। हमारे पुरखों ने बताया था कि यहाँ ऐसा ऐसा होता था। अच्छा अच्छा। शादी ब्याह होते तो क्या क्या हुआ था? सबसे पहले शुरुआत से बताइए आप। शुरुआत यहाँ से है कि सबसे पहले यहाँ जो भी शादी आती थी तो एक रात डोली को अपने यहाँ रखता। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर जो किला है, यहाँ पर किला भी बना हुआ था? किला था। अच्छा, अभी तो नहीं है? नहीं, अब तो उसमें गधा का हर चला है। अच्छा अच्छा। क्या कहानी थी, थोड़ी शुरू से बताइए। शुरू से ये है कि यहाँ से जो डोला निकलता था तो वो डोला को एक दिन यहाँ रखता था। अच्छा। उसके बाद घर जाते थे। यहाँ कुछ उससे पहले यहाँ से कुछ तोमरों को कुछ दाग लगा करके बाहर निकाल दिया गया था। अच्छा, किस तरह का मतलब दाग लगा कर? मतलब उनको झूठा इल्जाम लगा करके यहाँ से निकाल दिया गया था। अच्छा, चेक में भी रहने। अच्छा, आप यहाँ से निकल जाओ, अगर आप यहाँ पे दोषी हो तो निकल जाओ। ऐसा होता था, ठीक है। अब वो ने यहाँ से निकल के गए और क्या, ये प्रथा चल रही थी। अच्छा, रोलियों की प्रथा चल रही थी और यहाँ के सभी बड़े 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 बुजुर्ग 10-50 गाँव के इकट्ठे हुए और यहाँ पंचायत जुड़ी। पंचायत में ये निर्णय हुआ आप तो नहीं कर पाएंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे, उन्हीं को साथ में लो, वो आतंकवादी रहे तो उनसे ही चर्चा करो। तो वहाँ से जा करके ये सभी लोग वहाँ पहुँचे। कहाँ पे, किस जगह पे पहुँच गए? भिंड जिला। भिंड जिला में। अच्छा, यहाँ से कुछ जो तोमर थे, जो मतलब जिनपे इल्जाम झूठा लगा दिया गया था, उनको वहाँ पे भिंड जिला पहुँचा दिया गया था, ठीक है। जला बदल कर दिया। जला बदल। तो उसके बाद में उनसे परामर्श हुआ, उन्होंने कहा ये काम तो हो जाएगा लेकिन आप सबका सहयोग करना पड़ेगा। ठीक है, हम पहले तो कहिए कि शर्त होगी हमारी कि हमारी और कच्चा खाना बनाएगी, वो आटे को पाए से गूंदेगी, वो पाए का गूंदा हुआ आटा आपको रोटी खाना पड़ेगा। ये शर्त किसने रखी थी? ये शर्त जो पहले निकाल दिए गए थे। अच्छा, उनने रखी। उनने क्या रखी थी? उनने यही शर्त रखी कि हमारी औरत जो है इस आटे को पाए से गूंदेगी तब रोटी बनाएगी, उस रोटी को तुमको खाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव क्यों रखा था? ऐसा प्रस्ताव उनको दाग लगा था। अच्छा, उनको दाग लग गया था, मतलब यहाँ से वो भगाए गए थे, गुलामी का दाग लग। अच्छा, उनको दाग लग गया था इसलिए वो यहाँ से भगाए गए थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि हमारा गुंदा हुआ तुम खाओगे तब हम चलेंगे आपकी सहायता करने। अच्छा, ये तभी तो तुम हमें मिलाओगे। अच्छा अच्छा, वही तो अपने समाज में मिलाओगे, नहीं तो हम गुलामों के गुलाम ही रहेंगे। अच्छा, ये बात। उसके बाद उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने 100 डोले सजवाए। अच्छा, वो जो वहाँ के तोमर थे उन्होंने 100 डोले सजवाए। ठीक है, सभी में 4-4 कार लगे और 2-2 बैठे बैठने वाले और सभी के लिए हथियार रखे। अच्छा,
अच्छा, उस डोली के अंदर। अच्छा, उन डोलों में सभी में 100 में आदमी बिठाले गए, दो दो आदमी। अच्छा, दो दो आदमी और चार चार कार लगाए। अच्छा, दो आगे दो पीछे, उनको लाए गया, एकदम यहाँ निकाले गए। अच्छा, अब निकाले गए तो नियम की चालांक थी, उसने कही कि ये डोले जा रहे हैं तो इसमें कोई गड़बड़ है, देखो डोले मत रोको। अच्छा, तो मियाँ सन्न था तो आतंकी था, उसने कही कुछ नहीं तू क्या यहाँ है, मैं तो डोले रोकूंगा। अच्छा, वो तो अपनी मतलब घमंड में चूर था। ठीक है, उसने अपनी फौज को इतला कर दी। अच्छा, और यहाँ आ गई, मारकाटो होने लगी। अच्छा, तो यहाँ पे फौज ने जैसी रोका तो मतलब डोलों में देखा गया कि भाई कौन कौन बैठा। देखा नहीं। अच्छा, पहले ही झड़पड़ होने लगी, आते ही झड़पड़ हो, डोले रोकने का कहा, मना कर दिया, इसी पर बातों बातों में बतवड़ो हो गया, चलने लगी। चलते 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 वो समय आया कि फौज मारी गई और राजा को खुद जाके जो डेले में जो बैठा करते उन्हें जाकर उनको गर्दन काट दी। अच्छा, और गर्दन काट करके गधा बलवाया गया, गधे का इस पे हर चलाया। अच्छा, ये जो घेरा है दोस्तों वहाँ पे बता रहे हैं गधे का हर चलवाया गया। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता था? जाने जो तो पुराने जमाने की बातें हैं। अच्छा, क्या क्या होता था गधे से क्या नहीं। अच्छा, गधे को हर चलवाने से मतलब कुछ तो होता होगा। वैसे तो आजकल के लोग तो ये कह रहे हैं गधा के हर चल जाता है उस जगह पे, ठाकुर ब्राह्मण बड़ी जातियाँ उसपे नहीं, वहाँ पे मतलब स्थापित नहीं हो सकती है। अच्छा, ये रहता है छोटी जाति की। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा बताते ही उस समय जाति प्रथा ज्यादा रही होती है। हाँ बिल्कुल सही है, तो इस समय ऐसा था, कुछ समय पहले की बात है। अच्छा, उस मुस्लिम जो शासक था उसका कुछ नाम पता? पता ना ध्यान में ना, पता तो था। अच्छा, लेकिन अभी कोई जानकारी में नहीं, बहुत पुरानी पुरानी बात है, अब तो नई नई बातें है रही। जी जी, तो यहाँ के और किसी ने आवाज नहीं उठाई, सिर्फ तोमर लोगों ने आवाज उठाई? तोमर। अच्छा, और भी कोई लोग नहीं आए हो जो आगे उठ करके समाज में? और कोई नहीं। अच्छा, उसका यहाँ पे इतना दबदबा था क्षेत्र में कि भाई कोई बोलने का नाम नहीं लेता था। अरे खूब आवाज ही नहीं कर। अच्छा अच्छा, तो ये यहाँ की कहानी है जो कि हमने आप लोगों को दादाजी के मुँह से सुनाई। और ये दोस्तों अभी हम पोरसा में और ये जोटी चौराहा है बाईपास, और यहाँ से मुश्किल से 50 कदम चल करके एक जो खेरा है ऊंचाई पे है, और वहाँ पर पहले किला हुआ करता था लेकिन अभी कुछ नहीं है। और हम लोग चलेंगे वहाँ की भी आपको सीन दिखा देंगे चल के। अच्छा, ये जो टावर लगा है उसी जगह पे है क्या? कुछ उसी जगह पे, अंदर जाकर जाके म्यूनसिपालिटी के मेहतर फतर भी रहती है। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से चीजें मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, तो ये थी यहाँ की कुछ कहानी दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं बादशाह अकबर के बारे में सुना है, शाहजहाँ के बारे में सुना है, जो मेन मैन थे बाबर के बारे में सुना, औरंगजेब के बारे में सुना है, लेकिन कुछ मुस्लिम शासक ऐसे भी हुए थे जो लोगों पर किस तरह ये छोटी रियासतों वाले थे, छोटी रियासतों वाले, और किस तरह से लोगों पर अत्याचार करते थे, जो कि आज की किताबों इतिहासों में कहीं दर्ज भी नहीं होगा इन बातों को।